सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल द जैमर्स। ठीक है, तो आज हम लोग वेरियंस कोवेरियंस इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले वेरियंस से स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वो जो घंटा बन के आ रहा है ना उसे दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो वेरियंस बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बट हाँ, मैं आज कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी डिस्कस करूँगा और हल्के फुल्के फॉर्मूले दो चार हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, वेरियंस को हम लोग लिखते कैसे, डिनोट, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है एक फॉर्मूला वेरियंस का, ये होता है। दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसे आप लिखते हैं म्यू टू डैश, ठीक है, और ये होता है म्यू वन डैश। ये हो गया म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्स, डन। तो कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, वेरियंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज, तो अगर किसी कांस्टेंट का आप वेरिएंस लेंगे वो जीरो होता है, सी जहां पे कांस्टेंट है। मैंने आपको एक बार अभी पिछली वीडियो में बताया चेंज ऑफ बेस एंड स्केल, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, मैं बता देता हूं। चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कुछ चीज़ ऐड करना, जैसे ये स्केल हम लोग अपनी कंसिडर करें, ठीक है, हम लोगों का स्पेस दिया कार्टिजियन स्पेस है, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्केल का सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बेस का मतलब होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपका वेरियंस होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल से, ठीक है, बट डिपेंड करता है चेंज ऑफ बेस, ठीक है, यानी वेरिएंस ऑफ ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी, ये जो होगा होगा ये होता है ए बाई बी का होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यानी जो हम लोग C कंसिडर ऐड या माइनस कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं करेगा वेरियंस पे हमारे, बट अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो वेरियंस पे असर करेगी, ठीक है। आपका एक तीसरा फॉर्मूला होता है वेरियंस ऑफ X प्लस माइनस Y, ठीक है, अगर X और Y इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ X एंड Y आर नॉट इंडिपेंडेंट, लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट, तब ये फॉर्मूला लगेगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ओके, और यहां पे जो साइन होगा माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस टू टाइम्स कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, डन। तो इन जनरली अगर हम हमारे पास एन रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उनका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं तब वेरियंस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए, समेशन आई गोइंग वन टू एन, ठीक है, ए आई स्क्वायर वेरियंस एक्स आई, ठीक, प्लस डबल समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन, जे भी वन से लेके एन, अगर आई आप लेस देन जे लिखते हैं, ठीक है, तब तो यहां पे आप खाली कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई लिखेंगे, और इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है, यही मैं लिखे दे रहा हूं, आई इज इक्वल टू वन से लेके एन ए आई स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स आई, और सॉरी यहां पे ए आई एज मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डबल समेशन आई जे I not equal to j यहां लग जाता है, ठीक है, तब यहां टू टाइम्स मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा ए आई ए जे कोवेरियंस एक्स कॉमा, ये सॉरी एक्स वाई लिखा है, एक्स आई कॉमा एक्स जे होगा,
एक्स आई कॉमा एक्स जे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, डबल समेशन क्यों लगा और आई ले रहे थे, जे क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोवेरियंस का टर्म आ रहा है, तो कोवेरियंस जो आपका होगा वो किसी दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में ही होगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल अगर हम दो वेरिएबल के बारे में कंसिडर करते हैं, जैसे एक्स वन और एक्स टू यहाँ पे कंसिडर कर ले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आई की जगह यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन डाल देंगे, वेरियंस ऑफ एक्स वन फिर से डालेंगे, वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस टू टाइम ए आई ए जे की जगह वन वन, कोवेरियंस एक्स वन कॉमा एक्स टू बन जाएगा आपका। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये टर्म इस वजह से आया है, डबल समेशन सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि कोवेरियंस को हम कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे टू वाला टर्म तब आएगा जब आप आई नॉट इक्वल टू जे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर आप सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आप अगर i नॉट इक्वल टू j कंसिडर करेंगे तब टू वाला टर्म नहीं आएगा, और i लेस देन j कंसिडर करेंगे तब टू टाइम्स होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। देखिए क्यों यहां पे i नॉट इक्वल टू j आपने कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसमें देख लिए x1 लिया आपने, एक x2 लिया, ठीक है, और आपने यहां लिखा ए आई ए जे, ठीक है, आपको निकालना है वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए कंसिडर करिए, तो यह क्या आएगा, वेरियंस ऑफ एक्स वन इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम लोग देख रहे हैं, प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस, ठीक है, कोवेरियंस एक्स वन कॉमा एक्स टू प्लस कोवेरियंस एक्स टू कॉमा एक्स वन, और एक मतलब अभी कोवेरियंस जब मैं बताऊंगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोवेरियंस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कोवेरियंस एक्स वन एक्स टू लिखिए आप, या फिर कोवेरियंस एक्स टू एक्स वन लिखिए, ये बात एक ही है, तो ये आपका ये बन जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस वेरियंस ऑफ एक्स टू प्लस टू टाइम्स कोवेरियंस एक्स वन एक्स टू, ठीक है। ये यहीं पे जब टू वाला टर्म इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम आई लेस देन जे कंसिडर कर रहे हैं, हमने एक बार एक्स वन ले लिया है आई पे, तो एक्स टू जो आपका होगा वो वन से बड़ा होगा, अगर वन से बड़ा है तो जाहिर सी बात है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे रिपीट हो सकता है, ओके, क्योंकि हमने जे कंसिडर किया है, वो कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगाई है कि जे लेस देन इक्वल टू लेस देन है, हमने बस ये लिखा है कि जे और आई इक्वल नहीं है, यानी जे भी हमारा वन हो सकता है कभी ले लेगा और आई टू हो सकता है, तो इस वजह से वो पलट जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज बन जाएगी। बट अगर आप इसे यूज कर रहे हैं डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टू टाइम्स कोवेरियंस एक्स वन एक्स टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वेरियंस की ही है। अगर मैंने कहा अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने पिछला वाला के हिसाब को बताया, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आपका जो वेरियंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू होता है ये आपका आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स वन, ठीक है, प्लस माइनस लगा लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए, यहां पे माइनस का भी साइन होगा ना तब भी यहां पे प्लस ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है वेरियंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू मल्टीप्लीकेशन में वेरियंस ऑफ एक्स वन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स टू, ठीक, तो ये तो हो गया वेरिएंस के बारे में, ठीक। अब थोड़ा कोवेरिएंस के बारे में कंसीडर करते हैं, या फिर कंडीशनल वेरिएंस देख लेते हैं, कोवेरिएंस से पहले कंडीशनल वेरिएंस के बारे में देख लेते हैं, एक दो फॉर्मूले देख लीजिए, कंडीशनल वेरिएंस, इस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कंडीशनल वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई और वाई की कुछ वैल्यू दे रखी है, एक्स गिवन वाई का मतलब होता है एक्स व्हेन वाई हैज ऑलरेडी अकर्ड, डन, तो एक्सपेक्टेशन हमें पता है जब वेरिएंस ऑफ एक्स होता है वो कैसे लिखा जाता है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया y ऑलरेडी अकर हो गया है, तो यहाँ पे खाली आपका जो बचेगा वो x बचेगा, तो यानी खाली x बचा, और ये एक्सपेक्टेशन x लिख रखा है, यानी जो भी ब्रैकेट में था वो पूरा टर्म आ गया, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू y, ठीक, ये एक साथ गिवन y इक्वल टू वाई,
क्योंकि हम होल एक्सपेक्टेशन कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे y इक्वल टू y कंसीडर किया गया। समझ में आया क्यों? जब हम कंसीडर करते थे आपका ये निकाल, मतलब यही आप समझिए, ठीक है, ये एक पूरा टर्म आपका हो गया और ये अलग एक सेपरेट टर्म हो गया गिवन y इक्वल टू y। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऐसे कुछ निकलेगा, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर गिवन y इक्वल टू y, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू y का होल स्क्वायर। डन, यहां पे स्क्वायर लगा दिया, ट्रिक ये हो गया आपका। और मैं चाहता हूं जब भी आपको कंडीशनल वेरिएंस पूछा जाए तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वाला बहुत कम चांसेस है कि आप अप्लाई कर पाए, तो इसको इसको हैशटैग बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है काफी फॉर्मूला। और वो वाला जो आपका पिछला फॉर्मूला मैंने लिखा था जब इंडिपेंडेंट नहीं है और एडिशन में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला ये मैंने पिछली भी नोट में आपको लिखवाया था, अभी मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आएगा, ये आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बना सकता है। वेरियंस ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस, कंडीशनल वेरियंस का एक्सपेक्टेशन ले लीजिए प्लस वेरियंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। ये फॉर्मूले दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, तो इनको इंपॉर्टेंट बना लीजिए और कायदे से याद कर लीजिए। अब थोड़ा कोवेरियंस के बारे में देखते हैं, तो चलिए कोवेरियंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोवेरियंस हमारा होता क्या है, ये देखिए बेसिक फॉर्मूला जो कोवेरियंस का है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वाई। अब आपको समझ में ये चीज आ रही होगी कि मैंने जब आपको बताया था कि वेरियंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई में, मैंने जब आपसे कहा था कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो डायरेक्ट वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा भाई? कोवेरियंस का फॉर्मूला देखिए, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई जो आपका होता है ये होता है एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वाई। डन, जब ये चीज हो गई तो कोवेरियंस एक्स वाई जीरो हो गई, आपका कोवेरियंस पोर्शन जीरो हो गया, तो डायरेक्ट खाली बचा तो यही चीज है ना, ये कहने का मतलब था मेरा उस टाइम पे। और कोवेरियंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। बहुत दिनों बाद ग्रीन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा, चलिए देखते हैं। तो कोवेरियंस जो आपका होता है ये भी वेरियंस की तरह ही है, ये अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ, कोवेरियंस दो रैंडम वेरिएबल्स के साथ है, कोवेरियंस हमेशा दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में ही निकलेगा। अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ किसी रैंडम वेरिएबल का कोवेरियंस लेंगे वो हमेशा ही जीरो आएगा, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे कि हमारा वेरियंस चेंज ऑफ बेस पे डिपेंडेंट होता है और चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, सेम टू सेम आपका जो कोवेरियंस है ये भी चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड नहीं करेगा बट बेस पे डिपेंड करेगा। वन अपॉन बी डी कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, डन, ये होगा हमारा। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपको कोई तीन रैंडम वेरिएबल, तीन क्या ज्यादा, उससे भी ज्यादा खूब सारे आपको दिए हुए हो, ऐसे कुछ दे रखा हो, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे दे रखा हो, एक्स प्लस वाई कॉमा आप ले लीजिए डब्लू प्लस जेड, ये चार रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनका कोवेरियंस निकालना है। तो बस एक चीज याद रखिए, कोवेरियंस इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, सेम केस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और सबको ऐड कर दीजिए। कोवेरियंस कहने का मतलब है एक्स कॉमा डब्ल्यू, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस कोवेरियंस
एक्स कॉमा जेड, ठीक है, प्लस यहां पे प्लस माइनस कर लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे भी प्लस माइनस, नहीं सॉरी ये तो प्लस माइनस प्लस ही है, ओके। यहां पे प्लस माइनस कोवेरियंस वाई कॉमा डब्ल्यू प्लस माइनस जो भी साइन होगा वो आ जाएगा, कोवेरियंस वाई कॉमा जेड। तो सिर्फ कहने का मतलब इतना था, ठीक है। एक और चीज है, अगर आप किसी सेम जैसे कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स लिखा हुआ है, किसी सेम रैंडम वेरिएबल का अगर आप कोवेरियंस लेते हैं, ठीक है, तो वो वेरियंस ऑफ एक्स ही हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए फॉर्मूले में आप एक्स कॉमा वाई की जगह डालिए, ये बना एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ये बना एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, वो क्या होता है वेरियंस ऑफ एक्स, बस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम लोग कोरिलेशन कोफिशियंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशियंट, ठीक है, अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई दिए हुए हैं और हमसे पूछा जाए कि इनका कोरिलेशन कोफिशियंट क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, ओके। ये है द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, आर को हम कोरिलेशन कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। अब कोरिलेशन कोफिशियंट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, हेडिंग डाल दो कोरिलेशन कोफिशियंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं कोरिलेशन कोफिशियंट की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, कोरिलेशन कोफिशियंट जो होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप आर एक्स वाई लिखिए या फिर आप लिखिए आर वाई एक्स, कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इट इज अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है मेजरमेंट की, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो, किलोग्राम कुछ भी नहीं है, ये यूनिट से इंडिपेंडेंट है। इट इज अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी यह है, इसकी रेंज जो आपका आर एक्स कॉमा वाई होगा यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा, लेस देन इक्वल टू वन, इसी के बीच में हमेशा लाई करेगा, ठीक। अब यह चीज जान लीजिए कि जब आर माइनस वन से लेके वन तक के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, मुझे हमें ये तो पता चल गया, ये तीनों प्रॉपर्टीज आप नोट कर लिए कर ही ली होंगी। अगर आर जीरो है तब क्या होगा, आर इक्वल टू वन है तब क्या होगा, और आर इक्वल टू माइनस वन है तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर आर जीरो है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका देखिए आर जीरो हो गया तो आप ये देखिए वेरियंस ऑफ एक्स वाई उधर भेजेंगे जीरो, कोवेरियंस एक्स वाई जीरो, इसका मतलब जो है ये दोनों वेरिएबल्स एक्स जो भी वेरिएबल्स होंगे वो अनकोरिलेटेड होंगे, यानी कि वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट, अनकोरिलेटेड का मतलब ही हो गया इंडिपेंडेंट, बट मैंने लिख दिया। आर इज इक्वल टू वन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है,
ठीक है, और एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसका जो आपका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी कभी कभार बीएचयू बीएचयू में पूछी जाती है। r इक्वल टू वन का क्या मतलब है? तो इसका सिर्फ इतना मतलब है, देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, एंड देयर एग्जिस्ट अ लाइन कोई भी हो ax प्लस b, जिसका स्लोप जो आपका होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। r इक्वल टू माइनस वन का भी यही मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट कोरिलेशन, कोरिलेशन जो आपका होगा वो परफेक्ट ही होगा। ठीक है, एंड लाइन यहां पे भी एग्जिस्ट करेगी, विद ए लेस देन जीरो और स्लोप निगेटिव होगा। मतलब अगर r आपका माइनस वन है, इसका मतलब है जो कोरिलेशन है वो तो परफेक्ट होगा, मगर जो आपकी लाइन जो होगी आपकी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसका जो आपका स्लोप है वो निगेटिव होगा। ठीक है, कोरिलेशन के बारे में और एक चीज जान लीजिए, ठीक है, जो आपका कोरिलेशन कोफिशियंट है, जैसे मैंने बताया आपका जो वेरियंस होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल, बट इट डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ बेस, एंड सेम इज द केस विद कोवेरियंस, वो भी आपका चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड नहीं करता, बट चेंज ऑफ बेस से इफेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट, इट इज नीदर इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल नॉर इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ बेस। ठीक है, सिर्फ कहने का मतलब यह है आपका मेरा आर एक्स वाई, आप कुछ ऐसे कंसिडर कर लिए, x इज इक्वल टू यू माइनस ए अपॉन बी, डन, ओके, y इज इक्वल टू वी माइनस सी अपॉन डी। अब आप एक काम करिए, ठीक है, सॉरी, क्योंकि हर जगह हम लोग x y लेके कंसिडर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, x और y में ही आप चेंजेस करिए, ठीक है, कुछ भी किया, ये आपका है इस तरीके से दिया हुआ है कि भाई x में ये चेंज हो रहा है, y में ये चेंज हो रहा है, तो आपसे पूछा गया है इनका जो कोरिलेशन कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, तो मैं आपको ये चीज बताता हूं। ठीक है, आप एक काम करिए, कोवेरियंस x कॉमा वाई लिखिए, क्या होगा, ये यहां से x निकाल दीजिए, यू बी प्लस माइनस ए हो जाएगा, यहां से y निकाल लिए, वी डी प्लस माइनस सी हो जाएगा, ये आप कोवेरियंस अगर निकालेंगे, यू बी प्लस माइनस ए कॉमा वी डी प्लस माइनस सी डी, ठीक है, प्लस माइनस डी। तो मैंने आपको बताया कि कोवेरियंस स्केल पे डिपेंड नहीं करता है, तो ए और डी तो कैंसिल हो गया, यू और वी मतलब क्या कहते हैं, बी और डी बाहर निकल आया, बचा क्या, कोवेरियंस यू कॉमा वी। अब आप इसी चीज को वेरियंस इसका निकालिए, ठीक है, डन, वेरियंस ऑफ यू बी प्लस माइनस ए आप करेंगे तो ये निकलेगा क्या, यू स्क्वायर वेरियंस, वो बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ यू और इसका वेरियंस ऑफ वाई, यानी मतलब वेरियंस ऑफ वी डी प्लस माइनस डी करेंगे, प्लस माइनस सी, ठीक है, आप ये करेंगे तो ये निकलेगा डी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी। अब आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई, तो भाई कोवेरियंस का बचा बी डी, कोवेरियंस यू कॉमा वी, ठीक है, अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स होता है, ठीक, याद रखिए अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स होगा
और अंडर रूट वेरियंस ऑफ y होगा। अंडर रूट से अगर बाहर निकल रहा है तो दोनों ही साइन कंसीडर किए जाते हैं प्लस माइनस। इस वजह से यहाँ पे कुछ लोग ना खाली bd लिख के कट कर देते हैं और सोचते हैं उन्होंने तीर मार लिया क्वेश्चन सही हो गया। नहीं, वो गलत है, आपको मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी। ठीक है, अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई ये होगा। मेरा इतना समझाने का सिर्फ ये मतलब था कि कुछ लोग यहाँ पे मॉड भूल जाते हैं जिसकी वजह से आप पूरा क्वेश्चन सही करके आते हैं और हो सकता है कि आप यहाँ पे मॉड भूल गए हैं इसकी वजह से आपका माइनस साइन आ जाए और वो ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा। तो अगर इनडायरेक्टली मैं लिखना चाहूँ इन जनरल तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर आपका x और y इस तरह से डिफाइंड है, x is equal to u minus a upon b and y is equal to u is equal to x minus a upon and v is equal to y minus b upon d, और अगर आप निकाल रहे हैं r x comma y तो ये आपका आएगा पॉजिटिव आएगा कोरिलेशन बिटवीन u एंड v इफ u एंड v हैव बोथ सेम साइज। ठीक है, माइनस u कॉमा v अगर इनके साइन डिफरेंट होंगे। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां मॉड लगा हुआ है। बस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टर्म की तरफ, आप क्या कहते हैं ये रिग्रेशन कर्व्स। रिग्रेशन कर्व क्या है मैं इन जनरली बता रहा हूं, अभी आपको रिग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, रिग्रेशन में आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा, बट रिग्रेशन कर्व्स के बारे में जान लीजिए। द रिग्रेशन कर्व ऑफ वाई ऑन एक्स एक्स इज गिवन एज एक्सपेक्टेशन y गिवन x इज इक्वल टू x, यही आपका रिग्रेशन कर्व है। ओके, और अगर रिग्रेशन लीनियर है ठीक है, तो आपका जो ये होता है ये इस तरह से हो जाता है। ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, ठीक है, जहां पे म्यू वाई वाई का मीन होता है, म्यू एक्स एक्स का मीन है, ठीक है, और वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स बराबर एक्स आपका हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। ठीक है, क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।